साहिब बरकातु नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बात। मेरा जीना मेरा मरना, जो हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं वो है अच्छी और बुरी आदतें। बुरी आदतों को अच्छी आदत से बदलना ज़रूरी है, क्योंकि आदत क्या है कि इंसान कई सालों में उसकी आदत डेवलप होती, और आदत जब आप डाल लेते तो वो ता हयात वो कंटिन्यू होती। किसी भी आदत को छोड़ना और अच्छी आदत को अपना लेना, अज़म इरादा और इस्तेकामत ज़रूरी है, फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए। पहले आसान और छोटी चीज़ें से शुरू करना चाहिए, जो भी आगाज़ कर रहे हैं शुरू कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और मुसलसल काम करना, कंटिन्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, और मुस्बत जुमले यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना, और रुकावटों का जो है ना जायज़ा लेना चाहिए, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। अगर कोई चीज़ भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या जैसे कि फायर वॉल्स लगाना कहते हैं, यानी कि वो रास्ते बंद कर देना है जिनसे जो हमारे आदतों में बिगाड़ आती, वो सारी चीज़ों को क्लोज डाउन करना है। अपनी ज़िंदगी में अहम काम करना है और गैर अहम कामों को निकाल देना है। कुछ चीज़ों को मिजाज का जो हिस्सा है, अगर वो जायज़ की हद में है तो वो बुरा नहीं। जैसे कि अब गुस्सा अगर हक के लिए इस्तेमाल हो तो अच्छा है, लेकिन अगर बातिल के लिए इस्तेमाल हो तो बुरा है। अच्छा, दो काम मुसलसल करना है, व्हाट इज़ इट दैट, मुहासबा लेना है, अपने आप का जायज़ा लेना जो कहते हैं ना, और मुजाहिदा यानी जद्दोजहद कोशिश करना। और तीन चीज़ों के लिए हमें काम करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपनी ज़ात यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ करना चाहिए। सेकेंड चीज़ यू नो, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना है, गुड रिलेशनशिप। इट डजेंट मीन लाइक शुगर कोटेड कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं, झूठ से काम ले रहे हैं। वन शुड नॉट यूज़ द झूठ, यू शुड ओवरकम विद दैट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो अपनी ज़ात, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, सेकेंड लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है, अच्छे ताल्लुकात, स्पेशली टॉकिंग अबाउट यू नो राइट फ्रॉम द फैमिली, यू नो अगर अपनी फैमिली की बात करें, अपने अक़रबैन की बात करें, और अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक करना है, इबादतों में एक्सेल करना, और इबादत के साथ हम ये देखना है कि इल्म में हमारी कहाँ कमी है, इल्म हम हासिल करना, ये नहीं है कि चंद लोगों का ये काम है, हर इंसान के लिए उसके लिए मस्ट है। हमारी शख्सियत के मनफी पहलू हमारे इम्तिहान है। अच्छे अमल जब हमारी आदत बन जाते हैं तो इसमें इस्तेकामत आ जाती, यानी कि जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं, ये भी एक माने में अपने आप को ट्रेन करना है, जैसा रमज़ान में हम ट्रेन करते। दुनिया की कोई ताकत हमसे वो काम नहीं करवा सकती जो अल्लाह का तख्वा करवा सकता है, जो अल्लाह का डर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब रमज़ान में हम रोज़े रखते, क्या चीज़ है जो हमको मोटिवेट करती? अल्लाह का डर है, तख्वा है, और सबसे ज़्यादा जो अल्लाह ताला उसका इनाम देने वाले है। जो अपनी ज़ात अहम नहीं है, सबसे ज़्यादा अहम क्या है कि अल्लाह ताला के बताए हुए काम, जैसा कि नमाज में खुशू के लिए अल्लाह से मुलाकात का यकीन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि नमाज में ठहर रही, इधर उधर नज़र डाल रही या जल्दी जल्दी पढ़ रही। यू हैव टू हैव द तवज्जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू नो स्पेशली इंसान, हर इंसान का नमाज पढ़ने का जो है जद्दोजहद अलग अलग है। छोटे बच्चे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनको क्या करना पड़ता, हमेशा वज़ू से, वैसे भी छोटे बच्चे हो बड़े बच्चे हो, वज़ू से रहना इज़ अ बेस्ट थिंग, क्योंकि अच्छा है, आप आराम से नमाज़ पढ़ ले सकते हैं। लेकिन स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट जब इन्फेंट्स रहते, छोटे बच्चे रहते, जिसको आप नर्स कर रहे हैं, एक के बाद एक उनके कुछ ना कुछ ज़रूरतें रहते, आप जब वज़ू से रहे तो फ़ौरन से आप नमाज अदा कर ले सकते हैं। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फर्ज नमाज। एंड ऑल्सो द सेम थिंग, यू नो अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, आप जॉब पर है, तो वहाँ पर भी कोई मुश्किल नहीं है, आपको वक्त निकालना है नमाज के लिए, तो क्योंकि नमाज में खुशू होना, अल्लाह से मुलाकात, बट यू हैव टू डू इट मस्ट। डजेंट मैटर आप छोटे सूरतों से पढ़ें, बड़े सूरतों से, लेकिन नमाज में खुशू होना चाहिए और वक्त पे।
अस्सलातो अला वक्तिहा, तो सलात नमाज वक्त पे पढ़ना वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो बेहतरीन नेकी है। और इस्तेहामत इसमें भी होनी चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ अच्छी आदतें अपनाना है। और कामयाब इंसान वो है जिसका आगाज़ और अंजाम अच्छा हो। स्टार्ट एंड एंड शुड बी अच्छा। आगाज़ क्या है, ये तो हम दिन के कामों की बात कर रहे हैं या आने वाले दिनों में हम कौन सी कोशिश कर रहे हैं, बट राइट फ्रॉम आवर लाइफ, इफ़ वी टॉक अबाउट आवर ओन लाइफ, तो हम जो दुनिया में आए वो हमारा आगाज़ हो गया। अंजाम क्या होगा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन जनरल, ओके। तो अंजाम क्या होगा जब हमारी डेथ हो जाएंगी, खात्मा बिल खैर की हम जो दुआ करते। सबसे अहम काम क्या है, सुबह के वक्त में करना। तो उसमें क्या है, सुबह में एक क्या रहता, आप बहुत फ्रेश रहते, आपका माइंड फ्रेश रहते। लेकिन कैसा फ्रेश रहेंगे, देन ऑल्सो यू हैव टू एडॉप्ट अ आदत कि रात में जल्दी सोना। आप रात में सारे चीज़ें आप लाइनअप में रखें और टाइम पे अपना सोने की कोशिश करें। लेकिन कैसा करेंगे, जब आप ईशा का टाइम शुरू हुआ, ईशा टाइम पे पढ़ के, टाइम यानी ईशा का टाइम तो आपके पास इनफ है, ईशा पढ़ के, कुरान पढ़ के, जो आपको मेमोराइजेशन की आदत है वो कर लें, या जो भी आपके घर के काम निपटाए पासे। एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट जिम्मेदारी, वो करके ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है इंशाल्लाह। और यहाँ पर मफहूम हदीस है, ए अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत डाल दे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। क्योंकि सुबह जो है वो जो मॉर्निंग का टाइम है बहुत बरकत वाला टाइम है। तहज्जुद से उठने की आदत कर लीजिए। कितना सोएंगे हम, जॉब करो या ना करो, ये जॉब तो अल्लाह के लिए है, हमारे को ये करना ही करना है। डजेंट मैटर व्हाट आवर एज इज़, सुबह में उठना। तहज्जुद भी क्या है, एक स्ट्राइव हार्ड करना पड़ता, कोशिश करना, उसके लिए आपको टाइम पे सोना ज़रूरी है, आपकी नींद होना ज़रूरी है। और दीज डेज यू नो, रात लंबे रहते दिन छोटे रहते, तो अवेल दैट अपॉर्चुनिटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो सुबह का जो टाइम है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यू नो, रेज फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, तहज्जुद का एहतमाम करके, नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के, यू नो, इनफ। डिपेंड्स अगेन यू नो हाउ मच यू कैन डू इट। कोई भी काम थोड़ा हो, इस्तेकामत, कंटिन्यूटी इम्पॉर्टेंट है। अब और फिर सुबह शाम के अस्कार, सुबह के अस्कार कब होते हैं, फजर की नमाज के बाद जो हम अस्कार पढ़ते, सुभान अल्लाह ही व बिहम्दी से लेके खुल के जो सूरह है एंड तक, और कुछ जो दुआएं हैं 3 टाइम्स पढ़ते, बिस्मिल्लाह लजी ला यद्रु है, या सुभान अल्लाह व बिहम्दी है, अल्लाहुम्मा आफीनी फी बदनी, तो कुछ दुआएं 3 टाइम्स पढ़ते, और कुछ दुआएं 7 टाइम्स पढ़ते, हस्बी अल्लाह ला इलाहा जैसी वो दुआ है, आयतल कुर्सी मवज्जत इन मवज्जात, ये तो पढ़ना ही है सुबह शाम। और अपने सोने के औकात का जायज़ा लेना है, और क्या चीज़ है, क्यों बॉदर हो रही। अगर आप नहीं सो सक रहे रात में तो अपने आप को चेक करिए क्या चीज़ है। कभी ये होता कोई खाने में ऐसी कोई चीज़ आ जाए उस वजह से रुकावट आ रही सोने में, या अगर कोई माइंड पे कोई चीज़ बॉदर कर रही ना तो उसको स्टॉप करिए, क्या चीज़ आपको माइंड पे बॉदर कर रही। और अपनी आदत, हालत और सेहत के मुताबिक प्लानिंग करिए। अगर कोई इंसान है उसकी आदत और सेहत ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, एंड एज वेल एज एज। हम दुनिया में, इस दुनिया में हम आए एक लिमिटेड टाइम के लिए, तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें करना है, ठीक है। और रूहानी सेहत क्या है, इंसान गुनाह छोड़ दे, दिल के इत्मीनान आ जाएगा। तो गुनाह छोड़ने से क्या होता है, ये जो कलसाहट है दिल की, तो इंशाल्लाह जब हम कोशिश करेंगे ना, और शऊरी तौर पे, और बेशक जिस्म में एक गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो तो सारा जिस्म ठीक होता है, वो ख़राब हो तो सारा जिस्म ख़राब होता है, ये हदीस का मफहूम है। और वो क्या है, दिल। तो दिल अगर ठीक है, इवन आप देखिए कि फिज़िकल हेल्थ में भी देखिए, इट्स नॉट अबाउट जस्ट स्पिरिचुअल में, फिज़िकल हेल्थ में भी अगर दिल में कोई ख़राबी है तो हार्ट फेल होने से ही तो डेथ होती ना, तो वैसे ही दिल में क्या आते बीमारियाँ, स्पिरिचुअल बीमारियाँ, हसद, जलन, कीना, कपट, शुह नफ्स, ग्रीडीनेस, बैक बाइटिंग, ये सारे चीज़ों को निकालना है। जहनी उलझने,
इखलाकी बीमारियाँ, गुस्सा, हसद, कीना, बदगुमानी, तंग नज़री, तकब्बुर, ये सब रूहानी सेहत के दुश्मन हैं। इनको अपने अंदर से निकालना है। कुरान जिस्मानी और रूहानी शिफा है। अब चंद आप सेलेक्टिव आयतें सेलेक्ट करके आप खुद पे पढ़ खुद कोशिश कर ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, वो आप खुद वजीफ़ा बना लिए। कुरान मुकम्मल हो गया, हदीसें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए, आप अपने खुद से कोई उम्मत ये कर ले रही, वो रिस्पॉन्सिबल है। दीन में कोई गुंजाइश नहीं है ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की। जिस तरह बताया गया है उसी तरह पूरी कुरान शिफा है। और सूरह फातिहा क्या है? शिफा है, सबाउल मसानी है, रुकिया है, जैसे कि कुछ जो सूरतें हैं उसके बारे में हदीस है और ऑथेंटिक नरेशन है, तो हम वो कोशिश करना चाहिए। लेकिन सारी कुरान पढ़ने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि ये कुरान से क्या होता, हमारे दिलों का जंग चले जाता। इवन तो आप कुरान का ट्रांसलेशन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि कुरान अरबिक लैंग्वेज में है और अरबिक लैंग्वेज हम में से बहुत सारे लोग नहीं समझते। कुछ लोग समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन तफसीर काफ़ी हद तक समझते, दैट्स अ गुड थिंग। यू नो, अगर आप सादा वाला कुरान भी पढ़ो उनको समझ में आ जाता कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान का मीनिंग क्या है, लेकिन उसके लिए भी कोशिश करना पड़ता। तो कुरान क्या है? जिस्मानी और रूहानी उसके लिए शिफा है। बट यू हैव टू डू इट नो मैटर वॉट, कितने भी मसरूफ़ हो, कुछ भी हो। अगर समटाइम्स यू नो यू गेट बीमार और समथिंग, तो सुन लीजिए कुरान, सुन लीजिए, नथिंग रॉन्ग है। समटाइम्स कई स्टूडेंट्स मेरे, जैसे कि ओल्डर स्टूडेंट्स भी है, यंगर भी है, जैसे कि दे आर नॉट एबल टू रिसाइट इट, दैट्स वॉट आई टेल देम कि एटलीस्ट सुन तो ले, वो तो इत्मीनान कल्ब होगा ना। समटाइम्स इट हैपन्स कि तबीयत ख़राब है, बीपी ऊपर नीचे है, या समथिंग और दी अदर, यू नो, मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस ऑल, कीप अस सेफ एंड हेल्दी, यू नो, बट दैट्स द थिंग यू हैव टू डू इट। इट्स जस्ट नॉट आवर सेल्फ, वी हैव टू टेल आवर चिल्ड्रेन, ग्रैंड चिल्ड्रेन, सो ऑन सो फोर्थ। खुद ने करना है अकेले। तवासु बिल हक़ व तवासु बिल सब्र, जो कुरान पढ़ते हैं वो ऐसी अर्जिली उमूर से बच जाते। वॉट इज अर्जिली उमूर? मतलब ऐसी उम्र जिसमें बिल्कुल आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, आपका जहन काम नहीं कर रहा, बट यू स्टार्ट रिसाइडिंग कुरान, यू रीड इट कुरान फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुभान अल्लाह ताला। किसी को हमको बताना नहीं है, हम तालिब इल्म हैं, हम सब, आप बहनें, हम सब तालिब इल्म हैं जब तक हमारी ज़िंदगी है। और वही इंसान बेहतरीन है जो दीन सीखे और सिखाए। हमें कुरान से मजबूत ताल्लुक जोड़ना है इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, आमीन। तो करने के काम जो है, सुबह शाम की दुआएं, जल्दी सोना, जल्दी उठना, और कोशिश करना कि हर काम के पीछे नियत का क्या है, इखलास नियत। लास्ट टाइम जो हम क्लास में जो टॉपिक किए थे, जो किताब तौहीद में फ़रिश्तों पर अल्लाह की वही का खौफ, किस तरह फरिश्ते, एंड यू नो वी लर्न अबाउट, वी ऑलरेडी डिड दिस चैप्टर। फरिश्ते क्या है? एक प्रोग्राम्ड है, जो उनको बात बताई जाती है और वो फरिश्ते वही करते हैं। जब इन फरिश्तों के दिलों से घबराहट दूर होती है, तो वो एक दूसरे से कहते हैं, तुम्हारे रब क्या फरमाया? तो अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता कहता है कि इसने हक फरमाया है, वो आली मकाम और मुजुर्गी और बरतरी वाला है। तो ये सारी चैप्टर हम कर चुके, इसमें क्या क्या चीज़ें हम लर्न करे थे, क्विक एक रिव्यू, एंड देन वी गोना स्टार्ट द न्यू चैप्टर टुडे। सूरह सबा की आयतें थी 23 की जो तफसीर थी, जिसमें अल्लाह ताला वही के वक्त फरिश्तों की कैफियत बयान हुई है। और फिर इस आयत में शिर्क की दलाइल पेश की गई है, बिलखसूस ऐसे शिर्क का जिसका ताल्लुक सालिहीन उम्मत से है। और इस आयत के मुतालिक कहा गया है कि ये आयत दिल से यानी शिर्क के काटने वाली बात है। और फिर जो बात बयान की गई थी इस चैप्टर में के फरिश्तों के सवाल की वजह और सबब भी इसमें बयान किया गया था। और फरिश्तों के सवाल पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम इन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, यानी कि वो बात जो भी है वो सिर्फ एक मैसेज पहुंचा रहे, लेकिन हुक्म देने वाले कौन है? अल्लाह सुभान अल्लाह ताला। और इसमें इस बात की भी वजाहत है कि जब फरिश्ते
बेहोश हो जाते हैं तो सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाते हैं। ये भी हम लर्न कर चुके, चूँकि हर आसमान के फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं, लिहाजा वो सबको जवाब देते हैं। और बेहोशी और गशी तमाम आसमानों के फरिश्तों पर तारी होती है। और नाइन्थ थिंग हम क्या लर्न कर रहे थे, अल्लाह ताला के कलाम से आसमान लरज जाता है, कांपता है, और अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की वही को मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं। और ग्यारहवीं चीज़ क्या सीखे थे, शयातीन चोरी छिपे अल्लाह ताला के कलाम को सुनने की कोशिश करते हैं। और ट्वेल्थ थिंग वी लर्न, इस मकसद के लिए वो एक दूसरे के ऊपर सवार हो जाते हैं। थर्टीन थिंग, इन शयातीन पर सहाबे छोड़ा जाता है, यानी कि जो एक ब्लेमिंग हॉट फ्लेम की बात हो रही, बस औकात क्या होता, काहिन तक बात पहुंचने से कब ही सहाबी शैतान जो है खाक हो जाता, यानी कि कम्प्लीटली बर्न हो जाता। और कभी क्या है उससे पहले शैतान क्या करता, पहुंच जाता एंड यू नो बता देता बात। अब वो बात बताए तो क्या करता वो काहिन, क्या करता जो भी एस्ट्रोलॉजर है जो भी है, वो कई बातें, जैसे बाज़ औक़ात क्या होता है, काहिन की बात सही साबित हो जाती है, तो और वो काहिन इस एक बात के साथ 100 झूठ मिला देता है उसमें। और काहिन के झूठ को लोग महज इसलिए दुरुस्त मान लेते हैं इसकी एक बात को सही होने के वजह से, और वो भी वो कान लगा के शयातीन सुन लिए थे। तो ये शैतान क्या है, ये इसकी एक बात को जो दुरुस्त है उसमें पूरा मिलावट करके बातें बयान करते हैं। आज का जो हम चैप्टर कर रहे हैं, शफात का बयान, इरशाद इताली है कि और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस कुरान के ज़रिए इन लोगों को नसीहत करें जो इस बात से डरते हैं कि अपने रब के सामने इस हाल में पेश किए जाएँ कि इनका अल्लाह के सिवाय कोई मददगार या सिफारशी ना हो, शायद कि ये लोग अल्लाह से डर जाएं। وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, तो शायद के डर जाए। तो यहाँ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि हर किस्म की शफात अल्लाह ताला के इख्तियार में है। قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, हर शिफात अल्लाह के हाथ में है। फिर यहाँ पर फरमाया जाया जो आयतुल कुर्सी में आता है, मंजल्लज़ी यशफ़ाउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो इसके हुजूर इसकी इजाज़त के बग़ैर सिफारिश करे। और फिर आगे हम देखते हैं, वकम मिन मलकिन फिस समावाती, और आसमान में कितने ही फरिश्ते हैं कि जिनकी सिफारिश कुछ भी फ़ायदा नहीं दे सकती मगर बाद इसके अल्लाह ताला जिसके लिए शिफात की इजाज़त दे और पसंद करे। वकम मिन मलकिन फिस समावाती ला तुगनी शफाअतुहुम शयून इल्ला मिन बादी आई याज़नल्लाहु लिमन यशा व यर्दा, अल्लाह ताला ही परमिशन देंगे, इजाज़त दिए तो ही शिफात होंगी, इंटरसेशन होंगी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुशरिकों से कह दीजिए कि अल्लाह ताला के सिवाय जिनको तुम माबूद समझते हो इन्हें पुकार कर देखो, वो आसमानों और ज़मीन में एक ज़र्रा के भी मालिक नहीं, और ज़मीन और आसमान की मिल्कियत या इनकी तख्लीक में इनका कोई हिस्सा नहीं, और ना इनमें से कोई अल्लाह ताला का मददगार है, और अल्लाह ताला के हुजूर किसी के लिए कोई सिफारिश मुफीद नहीं होगी मगर इसके लिए जिसके बारे में सिफारिश की वो इजाज़त बख्श दे। यहाँ पर भी फिर वही मफहूम है, कुल उदीना ज़अन्तुम मिन दूनिल्लाह ला यमलिकूना मिसक़ाल ज़र्रतिन फिस समावाती वला फिल अर्द वमा लहुम फीहिमा मिन शिर्किन वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीरिन वला तनफ़ु इट्स फ्रॉम नफ़ा शफ़ातों, कोई शफा करने वाले नहीं है इंदहू इल्ला लिमन अज़िना ला, जो अल्लाह ताला इजाज़त दे, परमिशन दे,
शेखुल इस्लाम अबुल अब्बास इब्ने तहमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अपने अलावा तमाम मखलूक से इन बातों की नफ़ी कर दी जिनसे मुशरिकीन इस्तेलदा करते हैं। मिसाल इस बात की भी नफ़ी करती है कि किसी को ज़मीन और आसमान में किसी किस्म की कुदरत या इख्तियार कोई नहीं है और सिर्फ अल्लाह ताला ही है, यानी कि कोई अल्लाह ताला के मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, नथिंग एट ऑल। एंड अल्लाह शुड गिव परमिशन, इवन यू नो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड बी डूइंग द सिफारिश बाय द परमिशन ऑफ अल्लाह सुभान अल्लाह ताला। नोबडी कैन डू एनीथिंग, और वो ही किसी की सिफारिश नहीं कर सकता बावजूद इसके जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। वला यशफाउना इल्ला लिमन लिमनिर्तदा, यानी कि अल्लाह ताला उसको परमिशन दे बस वो सिफारिश जिसकी मुशरिकीन खायल है। क़ियामत के दिन मक्तूम होगी, यानी इनको हासिल नहीं हो सकेगी, जैसे कि बताया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामत के दिन अल्लाह ताला के सामने पेश होकर फौरन सिफारिश की बजाय पहले अल्लाह ताला के हुजूर सजदे रेज होंगे और इसकी हमदो सना करेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा अपने सर उठाएं और बात करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी जाएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगने दिया जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, आपकी सिफारिश कबूल होगी। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा खुश नसीब कौन है जो आपकी सिफारिश का हकदार होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खुलूस दिल से कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, बस साबित हुआ कि ये सिफारिश की इजाज़त से सिर्फ खुलूस दिल से कलीमा पढ़ने वालों को हासिल होगा और मुशरिकीन को हासिल नहीं होगा। इसकी हकीकत ये है कि अल्लाह ताला मुखलिस अहले तौहीद पर अपना खुसूसी फजल फरमाएंगे और जिन लोगों को सिफारशी की इजाज़त देंगे इनकी दुआओं के सबब अहले तौहीद की मग़फ़िरत करेंगे। इसी तरह सिफारिश करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम करेंगे, यानी ऑनर करेंगे, और वो मकाम महमूद पर पाएंगे। बस जिस शिफात का कुरान ने इनकार किया है, इससे मुराद वो शिफात है जिसमें शिर्क की आमेज़िश हो, मिलावट हो। ये वजह है कि मुतअद्दिद मकामात पर अपनी इजाज़त से शिफात के असबात किया जा रहा है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमाया है कि शिफात सिर्फ अहले तौहीद और अहले इखलास के लिए ही होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, पर द की थिंग क्या है? कुरान और सुन्नत पे अमल करना है, कोई भी चीज़ उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, और शिर्क से मना किया गया है। तो यहाँ पर क्या थे इन आयत के कुरानी की तफसीर में हम देखें, जिनमें अल्लाह ताला के सामने शिफायत का बयान किया गया है, नाकाबिल कबूल शिफात की वजाहत बताई गई हैं, काबिल कबूलत शिफात बयान किया गया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात कबूल किए जाएंगी। लेकिन व्हाट इज़ द की थिंग, अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट के अल्लाह सुभान अल्लाह ताला अल्लाह की मर्ज़ी से सिफारिश होंगी। हम यहाँ पर एंड करते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका नतूबलै। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।